ईडी के शिकंजे में फंसे नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। पिछले कई दिनों से वो ईडी की गिरफ्त में है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। वहीं नवाब मलिक की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईडी ने अभी तक दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी साठगांठ को लेकर कई संपत्तियों को कुर किया है। नवाब मलिक फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। उन्हें फरवरी महीने में गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने बयान में कहा कि नवाब मलिक उनके परिवार के सदस्य की सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को पीएमएलए कानून के तहत कुर्क किया गया है। ईडी द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में मलिक की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। ईडी द्वारा कुर्क की गई मलिक की संपत्तियों में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में मौजूद 147.79 एकड़ कृषि भूमि भी है। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक किसी भी तरह जेल से बाहर आना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक मलिक की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से नवाब मलिक ने गुहार लगाई है कि उन्हें जेल से तत्काल रिहा किया जाए। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से पीएमएलए कानून का हवाला देते हुए पूरे मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है। नवाब मलिक को फरवरी के महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। तब अदालत में जिरह के दौरान ईडी ने मलिक पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाया था। ईडी ने तब अदालत में कहा था कि नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड के लोगों से ताल्लुकात रखते हैं और वो हवाला जैसी अवैध गतिविधियों में भी शामिल है। ईडी ने कहा था कि नवाब मलिक टेरर फंडिंग जैसे गतिविधियों में लिप्त हैं, इसीलिए उनकी आगे जांच होनी चाहिए, तभी उनके और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का पर्दाफाश हो सकेगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट मलिक के मामले पर कब सुनवाई शुरू करता है। फिलहाल मलिक जेल में बंद है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।